गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और सही समय आ गया है कि सर्दियों में उगने वाली जो सब्जियां हैं वो हम उगा लें। तो आज मैं एक ऐसी वेजिटेबल का आपके सामने जो है सीडलिंग का अपडेट और उसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है गमले में, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये जो वेजिटेबल है ये है हमारी चुकंदर या बीट रूट। आप सभी जानते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। तो आज इसी बीट रूट को जो है वो चुकंदर को मैं गमले में ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। देखिए, टब के अंदर मैंने इसकी सीडलिंग की थी, तो ये जो हेल्दी सीडलिंग आपको नज़र आ रही है लगभग एक महीने के आसपास का ये जो सीडलिंग अपडेट है, और आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा क्योंकि इस टब के अंदर सीडलिंग तो हमारी अच्छी हेल्दी ग्रो हो गई, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर क्राउड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी उत्पादन जो है मुझे इससे मिले, तो मुझे थोड़ा सा इसके गैप को बढ़ाना होगा और जो कम गैप के साथ सैपलिंग उगी हुई है उसको मैं रिमूव करके दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँ। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपनी सीडलिंग को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं या किसी दूसरे पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं? जब भी आप जो ज़मीन के नीचे सब्जियां उगती हैं, रूट वाली जो वेजिटेबल होती है, उनको जब आप उगाते हैं तो आप एक ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें सोइल की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो, मतलब कहने का मतलब सैंड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो, ताकि जो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इसकी जो सोइल है वो प्रिपेयर की है। इसमें मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने 70% जो है सैंड या बालू का इस्तेमाल किया है और 20% मैंने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया और सिर्फ 10% मैंने गार्डन सोइल का इस्तेमाल किया है। देखिए, ऐसी सोइल तैयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूट वाली जो वेजिटेबल है उनको फैलने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको काफ़ी जगह चाहिए होती है। अगर आप गार्डन सोइल का इस्तेमाल कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो सब्जियां हैं वो नीचे अच्छी तरह से नहीं फैलेंगी, तो रूट बहुत अच्छी डेवलप नहीं होगी। और आपको पता है कि जो चुकंदर है वो एक रूट वाली ही सब्जी होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी सोइल के अंदर हमारी जो चुकंदर की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये जो सोइल है वो मैं पूरी तरह से इसको प्रिपेयर कर चुका हूँ, और देखिए मॉइस्ट कर लीजिए। जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो इसके अंदर पानी भर लीजिए एक बार, ताकि जो सैपलिंग है वो बहुत आसानी से उग जाए। तो अब मैं एक एक करके सैपलिंग निकाल लेता हूँ। देखिए, आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं और किसी गमले से सैपलिंग निकालते तो उसमें पहले पानी दे दीजिए। पानी देने से क्या होता है कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, लूज़ हो जाती है, और जिससे पौधा जो बहुत आसानी से निकल जाता है और जो हमारी रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो ब्रेक नहीं होती है और रूट बाउल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्लांट आसानी से निकल जाते हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मैं वैसे तो मैंने ये ले लिया है फॉक, वैसे अगर मैंने बताया आपको कि अगर हाफ बिल्कुल जड़ से पकड़ के इसको निकाल लेंगे कोने से बिल्कुल बॉटम से तो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया था तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे करके जो भी मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज सैपलिंग होगी वो सारी मैं इसके अंदर से रिमूव कर लूँगा और गमले में लगा दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चुकंदर की सैपलिंग है, जो पौध है, वो मैंने निकाल ली है और अब मैं इसको गमले में जो है वो लगाने वाला हूँ। एक 12 इंच के गमले में आप 4 से 5 प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और देखिए, अगर आपके पास कोई चौड़ा बर्तन है जिसकी डेप्थ कम है तो उसके अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, कि इसको ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, फैलती जाता है ज़मीन के अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। तो कहा मैंने कि 4-5 प्लांट लगा लीजिए, तो प्लांट लगाने के लिए आपको क्या करना है, हॉल बना ले लें लकड़ी से या किसी भी उंगली से बना सकते हैं आप। और इन सब के अंदर ये जो सैपलिंग मैंने ली है वो मैं लगा दूंगा, बस प्रेस कर दीजिएगा, अच्छी तरह जमा दीजिएगा,
जमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छी तरह जमा दीजिए बस, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है इसकी, क्योंकि विंटर का सीज़न है, विंटर की वेजिटेबल है, अच्छी ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो एक एक करके सारी लगा देता हूँ और आप देख सकते हैं कि चार सैपलिंग मैंने लगा दी, एक और लगा देंगे बीच में, तो ये हमारी सैपलिंग जो तैयार हो चुकी है, गमले में लग गई है और अब ये बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ करने वाली। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन